गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स, इनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो वर्ड या शब्द प्रोटीन है, इसका ग्रीक अर्थ है प्रोटियोस, जिसका अर्थ होता है प्राइमरी या प्राथमिक। जैसा कि इनका नाम शो कर रहा है, प्रोटीन्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स में पैरामाउंट इम्पोर्टेंस या बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जो हमारा टोटल बॉडी का ड्राई वेट है, इसका 3/4 प्रोटीन से बना होता है। 3/4 का अर्थ हो गया 75%। प्रोटीन्स शरीर में बिल्डिंग का कार्य करती हैं। सभी मुख्य स्ट्रक्चरल और फंक्शनल शरीर के जो एस्पेक्ट्स हैं, ये कार्य प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के द्वारा किए जाते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर में कोई भी एबनॉर्मलिटी मॉलिक्यूलर डिजीज को प्रभावित करती हैं, जिससे कि मेटाबॉलिक फंक्शंस परिवर्तित हो जाते हैं। प्रोटीन्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, और साथ में इसमें सल्फर और फास्फोरस भी माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में पाया जाता है। प्रोटीन्स की मुख्य विशेषता नाइट्रोजन होती है। अगर एवरेज में देखें तो नाइट्रोजन कंटेंट है प्रोटीन्स का, ये वेट के हिसाब से 16% होता है। सभी प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होती हैं। जैसा कि अमीनो एसिड्स में पढ़ा था, अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। जो अमीनो एसिड का अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये दूसरे अमीनो एसिड के अल्फा अमीनो ग्रुप से जुड़ता है, जिससे कि पेप्टाइड बॉन्ड या COOH बॉन्ड बनता है। ये है पेप्टाइड बॉन्ड, जिसमें एक अमीनो एसिड का COOH ग्रुप, दूसरे का NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप दोनों मिलकर ये COOH ग्रुप या पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। जो प्रोटीन्स होती हैं, ये अमीनो एसिड्स की पॉलीमराइजेशन से या एक दूसरे से जुड़ने से बनती हैं, जिसके अब पॉलीमराइजेशन में अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़ते हैं। दो अमीनो एसिड्स जुड़कर डाइपेप्टाइड बनाते हैं, तीन अमीनो एसिड्स जुड़कर ट्राईपेप्टाइड बनाते हैं, चार टेट्रापेप्टाइड पेप्टाइड और कुछ अमीनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं ओलिगोपेप्टाइड। और जो 10 से 50 अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन होता है, इसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। परंपरा के अनुसार, ये कन्वेंशन के अनुसार, बिग पॉलीपेप्टाइड चेन्स जिनमें 50 से अधिक अमीनो एसिड्स होते हैं, उन्हें प्रोटीन्स कहा जाता है। ट्राईपेप्टाइड में 3 अमीनो एसिड्स होते हैं, परंतु ये 3 अमीनो एसिड कोई भी 20 अमीनो एसिड्स में से हो सकते हैं, जिस कारण एक ट्राईपेप्टाइड में 8000 तरीके के कम्बिनेशन पॉसिबल हैं या संभावित हैं। एक सामान्य प्रोटीन जिसमें 100 अमीनो एसिड्स होते हैं, उसके अंदर 20^100 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये जो नंबर है, ये मोर देन टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द होल यूनिवर्स से भी अधिक है। जबकि अमीनो एसिड की नंबर सिर्फ 20 है, इनकी सीक्वेंस को चेंज करने पर कई प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण होता है।
इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के अंदर संरचना के कई तरह के संगठन पाए जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में आता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। प्रोटीन स्ट्रक्चर इज स्टडीड एट द प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टरी लेवल्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करता है, बताता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है कि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड की संख्या कितनी है और प्रत्येक अमीनो एसिड का क्रम क्या है, एक नंबर पे है या तीन नंबर पे, कौन सा अमीनो एसिड है, इनका क्या क्रम है। जो भी हायर लेवल्स ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं इसके प्रोटीन के, वो डिसाइड होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर से। जैसा प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा उसी आधार पर सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होंगे। प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो एसिड की यूनिक सीक्वेंस होती है जो कि डिसाइड होती है जीन्स के द्वारा। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये मेंटेन होता है कोवलेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा। स्टूडेंट शुड हैव ए क्लियर कंसेप्ट ऑफ द टर्म सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को समझना ज़्यादा आवश्यक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ग्लीसिन, एलेलिन और वेलिन। ग्लीसिन, वेलिन और एलेलिन दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही ट्राइपेप्टाइड्स हैं परंतु दोनों के अंदर सेम अमीनो एसिड्स हैं परंतु इनकी सीक्वेंस अलग है। जब सीक्वेंस चेंज होती है जो पेप्टाइड भी अलग हो जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो सी एन बॉन्ड है ये ट्रांस होता है नेचर में और इसमें फ्रीडम ऑफ रोटेशन नहीं होती है, क्योंकि जो पार्शियल इसका जो करेक्टर है वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। ये इसका डायग्राम है सी एन ग्रुप का। जो सी एन के बीच में डिस्टेंस है 1.32 एंगस्ट्रॉम, जो कि मध्य है सिंगल बॉन्ड के और डबल बॉन्ड के बीच में। परंतु जो साइड चेन्स होती हैं ये पेप्टाइड बॉन्ड के दोनों तरफ रोटेट होने के लिए फ्री होती हैं। दी एंगल्स ऑफ रोटेशन नोन एज रामचंद्रन एंगल्स कहते हैं इसको। ये एंगल्स ऑफ रोटेशन डिटरमाइंस स्पेटियल ओरिएंटेशन। स्पेटियल का अर्थ होता है स्पेस, उस स्थान पर। ओरिएंटेशन का अर्थ है उनकी स्थिति ऑफ द पेप्टाइड चेन। ये डॉक्टर जी एन रामचंद्रन थे इंडियन, जिन्होंने पायनियरिंग वर्क किया था स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटीन्स 50s और 60s में। ये है डायग्राम में बता रखा है, जो एंगल्स ऑफ रोटेशन है इनमें फ्रीडम दिखाई दे रहा है। सी एन बॉन्ड में रोटेशन नहीं है लेकिन साइड चेन्स में रोटेशन की फ्रीडम है। नंबरिंग ऑफ अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन्स। एक पॉलीपेप्टाइड चेन में एक किनारे पर एक फ्री अल्फा अमीनो ग्रुप पाया जाता है, इसको अमीनो टर्मिनल कहते हैं या एन टर्मिनल कहते हैं। और अमीनो एसिड जो कंट्रीब्यूट कर रहा है ये अमीनो ग्रुप, उसको फर्स्ट अमीनो एसिड कहते हैं। ये स्टार्टिंग होगी हमारी यहाँ से, ये अमीनो ग्रुप। सामान्यतः जो एन टर्मिनल अमीनो एसिड वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। जब प्रोटीन की सीक्वेंस डिनोट की जाती है और नेचुरली या इंसिडेंटली जो प्रोटीन्स का निर्माण होता है वो भी अमीनो टर्मिनल सिरे से या एंड से ही होता है। द अदर एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन इज, दो दूसरा अंतिम सिरा है उसको कहते हैं कार्बोक्सी टर्मिनल एंड
या सी टर्मिनल। यहाँ पर एक फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि लास्ट अमीनो एसिड के द्वारा दिया जाता है। ये इस डायग्राम में ये फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप है जो कि राइट साइड में है। ऑल अदर अल्फा अमीनो एंड अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप्स पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में होते हैं, वो मध्य में पाए जाते हैं। अमीनो एसिड जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड्स में, वो उनका नामकरण आई एन ई से वाई एल करके होता है। एग्जांपल के लिए ग्लिसिन अमीनो एसिड है, और जब पॉलीपेप्टाइड में कहेंगे तो ग्लिसाइल कहेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय कार्बोक्सिल ग्रुप्स ऑफ ग्लिसिन विद अमीनो एसिड ऑफ अमीनो ग्रुप ऑफ एलेनिन, और फिर कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एलेन विद अमीनो एसिड ऑफ वैलिन, इसको क्या कहेंगे, ग्लिसाइल एलेनाइल वैलिन। और इसको एब्रीवेट करते हैं, यहाँ पर इसका अमीनो ग्रुप बताया है ग्लिसरीन एलेलिन और वैलिन, ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप बताया है। ये ग्लिसिन, या इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं ग्लिसिन एलेलिन और वैलिन, और सामान्य तौर पर जीएवी। इसके बाद आती हैं डेफिनेशंस ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का अर्थ होता है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अंदर अमीनो एसिड्स का ऑर्डर या क्रम क्या है, और उसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की लोकेशंस क्या हैं, अगर कोई डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो अमीनो एसिड्स पास पास होते हैं, उनके बीच में जो स्टीरिक रिलेशनशिप या स्पेस के कारण रिलेशनशिप होता है, उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर डिनोट करता है ओवरऑल जो अरेंजमेंट और इंटर रिलेशनशिप्स है ऑफ वेरियस रीजन्स और डोमेन्स ऑफ ए सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। सेकेंडरी और टर्शरी को समझना थोड़ा डिफरेंस है इनमें। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो सिंपल इनका ऑर्डर है, सेकेंडरी के अंदर पास पास अमीनो एसिड्स का है, और टर्शरी स्ट्रक्चर में जो दूर अमीनो एसिड्स हैं उनका आपस में रिलेशनशिप। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तभी पढ़ा जाता है जब एक प्रोटीन में दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो कि आपस में नॉन कोवलेंट फोर्सेस के द्वारा जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट आता है ब्रांच्ड एंड सर्कुलर प्रोटीन्स। सामान्यतः पॉलीपेप्टाइड चेन्स लीनियर या रेखीय होती हैं, परंतु इनमें श्रृंखलाओं में ब्रांचिंग पॉइंट्स भी होते हैं, जिसका कारण है कि चेन के मध्य डाइसल्फाइड ब्रिजेस पाए जाते हैं। ये कोवलेंट डाइसल्फाइड जो बॉन्ड्स होते हैं, ये डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स में या एक ही प्रोटीन में भी या सेम पॉलीपेप्टाइड के पोर्शन में पाए जाते हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर का पार्ट होते हैं। बहुत रेयरली जो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है उसके स्थान पर गामा कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लूटामिक एसिड में एंटर द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। एग्जांपल है ग्लूटाथायोन, जिसमें गामा ग्लूटामाइल सिस्टेनाइल और ग्लिसिन पाया जाता है। इस प्रकार के पेप्टाइड बॉन्ड को जो इस पर गामा कार्बोक्सिल ग्रुप के बनते हैं, सीडो पेप्टाइड या आइसोपेप्टाइड कहते हैं। बहुत रेयरली प्रोटीन सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकती हैं, एग्जांपल है ग्रामिसिडिन।